और इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं, मीसा भारती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। मुझे पता चला, देख मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि रामकृपाल जी मेरी उम्मीदवारी से शायद नाराज हैं। जब मैंने देखा कि मैं भी दिल्ली में थी और वो पटना से दिल्ली गए कल, तो मैं उनसे मिलने गई एक भतीजी होने के नाते और अपने पारिवारिक संबंध के नाते मैं उनसे मिलने गई, और मैं ये जानने की कोशिश कर रही थी कि रामकृपाल जी मेरे चाचा क्यों नाराज हैं, क्योंकि आज तक मुझसे उनकी कोई ऐसी कोई नाराजगी नहीं थी। पार्टी से भले उनकी हो सकती है नाराजगी, मीसा से कोई उनकी नाराजगी नहीं रही है। तो कल का घटनाक्रम आप लोग सब लोग जैसे जानते भी होंगे, थोड़ा बहुत मैं उसमें बता देती हूँ, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनसे मिलने गई, जब मैं उनसे मिलने गई उनके घर पे, तो वो लॉन में इंटरव्यू दे रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा वो वहाँ से निकल गए। शायद वो मेरा सामना नहीं करना चाह रहे थे, जो भी कारण रहा हो वो मेरा सामना नहीं करना चाह रहे थे और वो अपने घर से निकल गए। मैं उनके घर पे 5 से 6 घंटे बैठी रही, ना उन्होंने मुझसे फ़ोन से कांटेक्ट करने की कोशिश करी और ना मीडिया के माध्यम से ही मुझसे बात करने की कोशिश करी। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे प्रेस वाले थे, उन्होंने पूछा कि आप क्यों आई हैं, आप मनाने आई हैं, क्या आपको आरजेडी सुप्रीमो ने भेजा है, क्या आपके पिताजी ने भेजा है। मैंने कहा मेरी पिताजी से कोई बात भी नहीं हुई है, ना मैंने उनके परमिशन लिया है। मैं एज ए इंडिविजुअल अपना एक मत रखने आई थी। मैंने मीडिया के माध्यम से ही कहा कि मैं अपना सीट, अगर वो एक पाटलिपुत्र की सीट को नाराज़ हैं तो मैं अपना उम्मीदवारी वापस लेने को तैयार हूँ। ये कल का घटनाक्रम है। अचानक मैं 5 घंटे बैठी रही, अचानक एक इंटरव्यू आता है, रात को मैंने देखा, टीवी में ही देखा उनका इंटरव्यू, रामकृपाल जी का एक इंटरव्यू आता है कि मीसा आई थी, हमारी बेटी हैं और उन्होंने एक ऑफर दिया है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन स्वीकार करता हूँ, लेकिन दिन भर पूरे मीडिया में, जब पूरे मीडिया में उन्होंने इंटरव्यू दिया, सुबह भी ये इंटरव्यू दिया कि मुझे मीसा की उम्मीदवारी से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जिस तरह से पार्टी में टिकट दिया गया है तो पूरे बिहार के जो आरजेडी कार्यकर्ता हैं वो दुखी हैं, उनकी वजह से मैं दुखी हूँ। मुझे सीट की कोई लालसा नहीं है, मैं बहुत इलेक्शन लड़ा, आज कल की ये घटनाक्रम हो गई। फिर मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी उनके मोबाइल से और वो उनका दोनों नंबर जो मेरे पास था वो स्विच ऑफ आ रहा था। आज सुबह मेरी फ्लाइट थी अर्ली मॉर्निंग, तो मैं आज चली गई। आज मैंने उनसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी। आज सुबह जब मैं अभी पटना पहुंची तो पता चला कि 11 बजे रामकृपाल जी पीसी कर रहे हैं, वो भी दिल्ली से। तो आज के पीसी में उन्होंने, कल मैं बिल्कुल व्यक्तिगत और अपना एक लेके गई थी, उसको उन्होंने इमोशनल अत्याचार और नौटंकी करार दिया है। तो एक चाचा से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो मेरी भावनाओं को इस तरह से रखेंगे, खास करके एक बेटी के। अगर एक मेरी जगह कोई लड़का होता और पुत्र होता या उनका भतीजा होता तो उसको बोलते तो था, एक महिला होने के नाते उन्होंने बेटी का सम्मान नहीं किया और कहा कि ये आरजेडी मीसा भारती का इमोशनल अत्याचार है। मैंने अपना पक्ष रखा था, पार्टी का निर्णय मैंने मीडिया में कहा, मीडिया में बहुत, क्योंकि मीडिया में जो उनको सही लगता है उसी को वो दिखाते हैं, उनको जो सूट करता है मीडिया वालों को उसी को दिखाते हैं। मेरा पूरा इंटरव्यू अगर उठा के देखा जाए तो मैंने अपनी बात के साथ, मैंने अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के साथ साथ बहुत सारी बातें कही। मैंने उसमें ये भी कहा था कि पार्लियामेंट्री कमेटी की जब मीटिंग हुई थी और रामकृपाल जी उसके मेंबर भी हैं और इनकी सहमति सब लोगों ने मिल करके आरजेडी सुप्रीमो को ऑथराइज किया था कि आप जो निर्णय लेंगे वो हमें मान्य होगा। अगर कहीं अपनी अगर उम्मीदवारी अगर उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो के सामने रखी नहीं रखी, मुझे उसका कोई ज्ञान नहीं है। मैंने मीडिया में भी कहा कि मेरी जानकारी में है कि आज तक उन्होंने ना आपके माध्यम से, जो बार बार वो मीडिया के माध्यम से, अचानक हमारे पार्टी का इतना बड़ा नेता कहता है कि हमारा इतना जनाधार है और सिर्फ मीडिया के माध्यम से बात करता है, तो